वेलकम टू आरकेएस बायो एकेडमी। माय नेम इज सुनील। हम शुरू करने वाले हैं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स को शुरू करने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर वो हमें पता है तो जेनेटिक्स पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हम सबसे पहला टर्म देखने वाले हैं जीन, दूसरा है एलेल, तीसरा है फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेटरोजाइगस एलेल, होमोजाइगस एलेल, इन सबको हम देखने वाले हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जीन क्या होता है, तो जीन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मेंडल ने देखा कि कुछ तो ऐसी चीज है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रही है गैमेट्स के थ्रू, और उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर। ठीक है, तो हम जिनको आज उसी फैक्टर को जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन क्या हो गया, वह फैक्टर हो गया जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। दूसरी डेफिनेशन है जीन की, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हम जानते हैं हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, और हेरिडिटी के प्रोसेस को या प्रिंसिपल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी कि जीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए हम जीन को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन्स के अंदर हम मानते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है जो कि रिक्वायर होती है एक्सप्रेस करने के लिए ट्रेट्स को। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई प्लांट अगर टॉल है तो टॉल क्या हो गया, ट्रेट हो गया। उसकी टॉलनेस को एक्सप्रेस करने के लिए उसके अंदर कोई पर्टिकुलर जीन होगा जिसके पास उस टॉलनेस की इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये होता है हमारा जीन। ठीक है, दूसरा टर्म है हमारा एलेल। एलेल क्या होता है, तो एलेल इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलेल कहते हैं। ठीक है, मान लो टी ये हमारा जीन है, तो इसी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या बनेंगी, एक तो कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसकी फॉर्म्स हो गई। लेकिन ये एक ही ट्रेट्स को शो करेगी, क्या, टॉल। ठीक है, तो टॉल ये ट्रेट्स है, और इसकी जो एलेल हम इन्हीं को कहते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन होती है। टी जीन का डिफरेंट फॉर्म ये है और ये है, ये दोनों टॉल को ही शो कर रही है, तो इसलिए हम इन्हें एलेल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो जीन होता है वो कोड करता है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को। ठीक है, वो किसको कोड करता है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को जीन, और उसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, एलेल। ठीक है, यानी कि एलेल को कोड कौन कर रहा है, जीन ही कर रहा है, जीन से ही एलेल बन रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लो हमारा ये स्मॉल टी एक जीन है और कैपिटल टी एक जीन है, ये दोनों डिफरेंट एलेल्स को फॉर्म कर रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, क्योंकि अगर ये टॉल है तो ये दूसरा ड्वार्फ है। हम जानते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम अपोजिट कैरेक्टर कह सकते हैं। अगर एक टॉल है तो एक ड्वार्फ होगा, इसी को हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं, और इसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम एलेल कहते हैं। एलेल हमेशा पेयर में होता है, इस बात को आप याद रखना है, एलेल्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं हमेशा। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है हमें जो पढ़ना है एलेल्स को समझने के लिए, वो ये है कि एलेल इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम्स। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनमें सेम लोकस में जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं को हम एलेल कहते हैं। मान लो ये हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसके अंदर प्रेजेंट है सेम जीन। ठीक है, सेम लोकस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट है, जैसे ये टी, ये दोनों एक ही लोकस पे प्रेजेंट है लेकिन होमोलोगस क्रोमोजोम्स के अंदर, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस एलेल। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में अलग हैं इसीलिए हम इन्हें हेट्रोजाइगस एलेल बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये मान लो ये भी होमोलोगस क्रोमोजोम ही है, इसके सेम लोकस में ही दो जीनोटाइप प्रेजेंट हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट हैं, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी एक पेयर ऑफ एलेल बनाएंगे, लेकिन ये होमोजाइगस होंगे क्योंकि ये दिखने में सेम होते हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों, और ये दिखने में सेम ही है। ठीक है, तो हम हेट्रोजाइगस एलेल को डिफरेंट गैमेट या डिफरेंट एलेल्स भी बोल सकते हैं, और होमोजाइगस एलेल को सेम गैमेट या सेम एलेल बोल सकते हैं। जैसे कि ये होमोजाइगस एलेल है और ये कैसा है, हेट्रोजाइगस एलेल है। इसके बाद हम देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप, मतलब जीन्स या एलेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। यानी कि वह एलेल या वह जीन जो एक्सप्रेस करता है ट्रेट्स को, ट्रेट्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है, तो फिजिकल ट्रेट विजिबल बाय नेकेड आई इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, जैसे टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, तो हम देख रहे थे यहाँ पे ये जीन है जो कि टॉल और ड्वार्फ यानी ट्रेट को शो कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जीनोटाइप बोल दिया। और जो ये टॉल और ड्वार्फ होता है
ये क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, क्योंकि हम इसे नेकेड आई से देख सकते हैं। एक प्लांट अगर टॉल है तो हम देख सकते हैं उसे कि वो टॉल है, वो हमारा फिनोटाइप हो गया। और जिस जीन्स की वजह से वो टॉल है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो जो ट्रेट विजिबल है, मींस हम देख सकते हैं जिस ट्रेट्स को कि वो टॉल है, तो ये टॉल ही फिनोटाइप है। और जिस फॉर्म ऑफ जीन्स की वजह से वो टॉल है उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ठीक, तो ये था हमारा जीनोटाइप फिनोटाइप। अब एक क्वेश्चन है कि मान लो ये एक प्लांट है जिसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल एस और स्मॉल आर स्मॉल एस, ये जीन्स उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट हैं और इसी प्लांट के अंदर कितने एलेल्स प्रेजेंट हैं, तो हमें पता है कि जीन्स जो होते हैं वो उसी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एलेल। ठीक है, तो जीन्स तो जीन्स होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, तो इसके अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और एलेल कितने प्रेजेंट हैं, तो इसी के डिफरेंट फॉर्म बना लीजिए, जैसे कि ये टी वो हमेशा पेयर में होते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर एक पेयर ऑफ एलेल बनाएगा, और कैपिटल आर कैपिटल एस मिलकर एक पेयर ऑफ एलेल बनाएगा, और स्मॉल आर स्मॉल एस मिलकर एक पेयर ऑफ एलेल बनाएगा। तो कितने पेयर ऑफ एलेल बन रहे हैं, 3 पेयर ऑफ एलेल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जीन्स क्या है, एलेल क्या है, होमोजाइगस एलेल क्या है, हेटरोजाइगस एलेल क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। ठीक है, यही सबसे मेन टर्म्स थी जो हमें समझ में नहीं आती है, और इन्हीं की वजह से हम जेनेटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आपको ये सब समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ताकि लेटेस्ट अपडेट जो वीडियो की है वो आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।